नमस्कार दोस्तों, आज हम यहाँ पर नज़र डालते हैं कि जो अभी कमर्शियल साइट्स की ऑक्शन हो रही है हिसार के अंदर, तो उसके ऊपर एक बार नज़र डाल लेते हैं। और अभी सबसे महत्वपूर्ण खबर ये आ रही है कि हिसार के अंदर जितनी न केवल हिसार के बल्कि ऑल ओवर हरियाणा की अगर जहाँ पर भी SEOs की साइट है, हुड्डा की जो भी हुड्डा की जो साइट्स होती है उसमें तीन कैटेगरीज मेनली होती है। एक होता है बूथ, जो 9x27 की दुकानें आपने देखी होगी उसको बूथ कहा जाता है, और उसके बाद में जो सेकंड उससे थोड़ा सा बड़ा साइज जो होता है उसको DSS बोलते हैं, डबल स्टोरी शॉप, जिसका अप्रोक्सीमेट 18x45 का साइज रहता है, और जो उससे बड़ा साइज है वो आ जाता है SEO शॉप कम ऑफिस, जिसका साइज लगभग 145 गज का। और यहाँ पर अभी एक महत्वपूर्ण खबर जो अभी आ रही है वो ये कि जो हिसार के अंदर SEOs की, वैसे जनरली आपने देखा होगा कि विद बेसमेंट 3 स्टोरी होती है इनकी बिल्डिंग्स जो होती है वो, इसको बेसमेंट को मिला के 3 स्टोरी की होती है। और सबसे खास बात यह है कि इस समय जो SEOs का है उसकी जो रजिस्ट्री है, जैसे नगर निगम के अंदर हम कॉमर्शियल जो प्रॉपर्टी देखते थे, SEOs होते थे, उस साइज की जो भी प्रॉपर्टी होती थी उसकी रजिस्ट्री अलग अलग हो जाती थी। मतलब चार अगर फ्लोर है तो 4 फ्लोर की अलग अलग रजिस्ट्रियां हो जाती थी। तो कुछ इस तरीके का जो अमेंडमेंट है वो अभी हुडा के द्वारा किया गया है, और यहाँ पर भी यही जो कल्चर है ये अभी आ जाएगा। तो उससे जो SEOs की जो मार्केटें डेवलप नहीं हुई थी वो मार्केट भी डेवलप होंगी, और एक इजी हो जाएगा क्योंकि इजी प्रोसेस हो जाता है। अब एक व्यक्ति के लिए हो सकता है 2 से 3 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, और या उससे ज़्यादा की जो इन्वेस्टमेंट है वो बड़ी मुश्किल होती थी। अगर उसमें फ्लोर वाइज रजिस्ट्री होनी शुरू हो जाएगी तो वो एक अच्छा ऑप्शन निकाला। ये जो हरियाणा सरकार की शुरुआत एक बेहतरीन शुरुआत है, और इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट प्रॉपर्टी मार्केट के जो कमर्शियल की जो मार्केट थी उसके ऊपर देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बजट में जहां तक अगर बात करें SEOs के जो रेट्स हैं वो देख लेते हैं एक बार। हिसार के अंदर एक तो अभी नई साइट आई है सेक्टर 1-4 की, सेक्टर 1-4 की फर्स्ट टाइम ऑक्शन आई है, और उसका भी हम मेरा एक नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसके दौरान मैं आपको लोकेशन वाइज हम यहाँ पर उसका जो मैप है वो भी शेयर कर दूंगा, और जानेंगे कि वहां पर क्या कुछ भाव इस समय उड़ाने निकाले और क्या भाव तक हमें वहां पर प्रॉपर्टी लेना जायज रहेगा। और उसके बाद सेक्टर 14 की आई हुई है, सेक्टर 14 में सारे के सारे बूथ्स है, एंड जो बताया था कि नेक्स्ट उसके बाद जो है वो सेक्टर 16-17, 16-17 के भी सारे बूथ है इस समय, और अर्बन स्टेट 2 के है वो SEOs है। अब SEO जो अर्बन स्टेट के थे वो SEO डबल स्टोरी और विदाउट बेसमेंट यहाँ पर लिखा हुआ था, तो उसमें कुछ एक अमेंडमेंट किया है उसको भी एक बार चेक कर लेते। चलिए आज का जो टॉपिक रहेगा इसमें हम अर्बन स्टेट 2 की जो SEOs की साइट है उसको कवर करेंगे, मैप के ऊपर हम उसकी लोकेशन भी देखेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर भाव अभी ऑक्शन के ऊपर आए हुए और कौन सी लोकेशन है वो सब हम यहाँ पर जानेंगे। इसमें कुछ एक अमेंडमेंट किए उसकी भी चर्चा हम यहाँ पर विस्तार पूर्वक करेंगे। ये जो आप देख रहे हो अभी सामने ये सारा का सारा मैप है, और ये अर्बन स्टेट 2 का मैप है, और अगर लोकेशन की बात करें ये दिल्ली रोड आ गया, और उसके बाद ये इस साइड में आप पुष्पा कॉम्प्लेक्स देखेंगे, ये पुष्पा कॉम्प्लेक्स आ गया, और ये जो मेन रोड के ये बड़े शोरूम्स SCF और शोरूम्स हैं इस दिल्ली रोड के ऊपर। जो लोकेशन इस समय ऑक्शन पे आई हुई है वो ये वाली लोकेशन है। लोकेशन बहुत बेहतर मैं नहीं कहूँगा इसको, देखिएगा पुष्पा कॉम्प्लेक्स में ये आपने देखा होगा शनि मंदिर है, और जो अंदर की तरफ अर्बन स्टेट के अंदर की तरफ रोड जाती है उस रोड के ये प्लॉट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, और यहाँ पर इसके जो शोरूम के बैक साइड में, अगर मेन रोड के होते तो ये तो अच्छे चल रहे हैं इस समय, लेकिन जो बैक साइड के हैं वो लोकेशन कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं है। लेकिन चलिए फिर भी जो आए हुए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नंबर के जो SEOs हैं ये 1 से लेके और 11 तक के काउंटिंग के नंबर जो SEO हैं वो यहाँ पर। अभी होता क्या है कि यहाँ जो SEO है ये जब आपने देखा होगा लिस्ट निकाली थी तो उसमें दिखाया था कि SEO डबल स्टोरी विदाउट बेसमेंट, इसमें बेसमेंट नहीं दिया हुआ था,
और यहाँ पर इसका जो बेस प्राइस था वो दिया था 2,50,07,200 रुपए। यहाँ से उसकी ऑक्शन शुरू होनी थी इस लोकेशन पे। देखिए पहले भी यहाँ पर पुराने समय में क्या होता था कि हुड्डा खुद डेवलप करके देता था अपने एसईओज या फिर डीएसएस, लेकिन पुराने समय में जो यहाँ पर एसईओ थे उनकी कंस्ट्रक्शन की थी, लेकिन इतने साल में कोई मार्केट ज्यादा ही चली नहीं और वो सारे तोड़ के अब दोबारा से इसको ऑक्शन के ऊपर निकाला हुआ। अब इसमें हुआ क्या है कि ये जो एसईओ है इसमें कुछ एक अमेंडमेंट किया हुआ है, ये दिया है कि जो अब नई ऑक्शन आनी है उसमें एसईओ डबल स्टोरी विदाउट बेसमेंट, यहाँ पर एसईओ 3 स्टोरी विदाउट बेसमेंट था और अब जो अमेंडमेंट किया वो उसमें डबल स्टोरी कर दिया इनको, यानी कि पहले 3 स्टोरी यहाँ किए थे और अब उसको डबल स्टोरी कर दिया, तो इसका कोई औचित्य नहीं रह जाता और मुझे नहीं लगता कि ये कोई अच्छा डिसीजन था। जिसने अगर अप्लाई किया है अभी तक जो अप्लाई कर चुके तो उसके लिए फर्स्ट तो ये होता है कि लोकेशन वाइज, और सेकंड होता है कि अब इसमें सिर्फ 2 स्टोरी ही बना सकते हैं, तो 2 स्टोरी अगर एसईओ करते हैं तो मुझे नहीं, इसमें जिसने भी अप्लाई किया होगा तो उसमें थोड़ा सा लॉस रहने की उम्मीदें रहेंगी। एक तो होता है 3 स्टोरी और एक होता है 2 स्टोरी, तो विदाउट बेसमेंट, यहाँ पर बेसमेंट भी नहीं दिया हुआ, तो ये ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, उसके बाद रेट वाइज अगर बात करें तो रेट सेम रखा हुआ है, रेट इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं किया। अगर 1 स्टोरी को कट ही करना था तो फिर उसके रेट में भी रिवाइज कर देना बहुत जरूरी था। इसका रेट अगर हाफ करते तो फिर कुछ नजदीक लग सकती थी, लेकिन इस तरीके का जो अमेंडमेंट किया वो जिसने भी अगर अप्लाई किया हो तो आप सोच समझ के अप्लाई कीजिए, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन नहीं होगा। और उसके बाद ये सारे के सारे एससीओज में यही कंडीशन रख दी है, यहाँ पर 3, 4, 5, 6 सिर्फ इनमें अमेंडमेंट किया हुआ है, 8, 9, 8 और 9 ये जो अमेंडमेंट किया है, ये 3 एससीओ नंबर यहाँ से 3 से शुरुआत हो जाती है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो इस हिसाब से। और लोकेशन वाइज भी बैक का लोकेशन हो गया, अगर अच्छी लोकेशन में जैसे फ्रंट के कुछ एक लोकेशन है, ये जितना भी एरिया है अर्बन स्टेट का, तो ये मेन जो मार्केट है ये बहुत बेहतर चल रहा है इसमें। और जो बैक साइड का मार्केट की अगर हम बात करें तो उसमें ज़्यादा सा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर कुछ एक SSB भी आपको देखने को मिल जाएंगे, और इसकी अपेक्षा तो मुझे जो सेक्टर 4 है वो थोड़ा सा बेटर लगा, उसकी भी एक अलग से हम चर्चा करेंगे, वो जो उसका वीडियो रहेगा सेक्टर 4 का वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँ। और रही बात हिसार के अंदर जो SCOs का है, अगर उसका जो आपको बताया गया है कि अलग अलग फ्लोर वाइज रजिस्ट्री होगी, तो ये एक बेहतर ऑप्शन निकाला है हुड्डा ने। और जैसे आपने देखा होगा कि पुराने जो बिल्डर फ्लोर का एक कंसेप्ट आया था 4 फ्लोर का, हालांकि वो पेंडिंग है और उम्मीद की जा रही है कि वो दोबारा से शुरू किया जा सकता है, ये गवर्नमेंट रहते रहते उसका एक कंसेप्ट आने की संभावना ऐसी व्यक्त की जा रही है, अभी तक कोई ऐसे डिसीजन नहीं आया है, लेकिन वो चीजें अगर होती है तो उससे एक मार्केट को जो उसका मार्केट को ग्रोथ मिलती है और मार्केट को एक पुशबैक मिलने की संभावना बनी होती है। तो ये एक जो हिसार के अर्बन स्टेट के एसईओज को लेकर के ऑक्शन, ये ऑक्शन जो थी वो 26 को होनी थी, 26 मई को होनी थी, उसको लेकर के एक यहाँ पर हमने ये वीडियो बनाया। इसके अलावा अगर देखिएगा हिसार के अंदर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, एग्रीकल्चर लैंड में जहाँ पर भी निवेश करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप करना चाहते हैं, आप उसके एज ए एंड यूजर हैं उसके हिसाब से आप करना चाहते हैं, आपको अपनी प्रॉपर्टी डेवलप करनी, तो वो सारे के सारे ऑप्शंस हमारे यहाँ पर अवेलेबल है। और रही बात
अभी तक अगर मैं बात करूं मार्केट किस लोकेशन पे ज्यादा अच्छा बेहतर चल रहा है, तो उसकी भी मैं बता देता हूं कि जो सेक्टर 1453 का जो एरिया है, जो वो लोकेशन है, वो काफी अच्छा रिस्पांस इस समय चल रहा है। और उसके बाद उसके आसपास का एरिया यानी कि रायपुर रोड, मिर्जापुर रोड का भी एरिया में अच्छा वर्कआउट इस समय चल रहा है, तो वहां पर अपॉर्चुनिटीज काफी हैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। और उसके बाद में अगर आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो रेट्स की अगर मैं कंपैरिजन करूं तो इस टाइम पे ऑल ओवर हिसार के अंदर सेक्टर 5, आज भी जनरल सेक्टर 5 और सेक्टर 9, सेक्टर 9-11 का क्या है, जो दिल्ली रोड यानी कि आप जमुना स्वीट से आएंगे उससे उस साइड का जो जहां पर 6 मरले 4 मरले के जो प्लॉट्स है वहां पर थोड़े से जेन्युइन रेट्स है। बाकी ऑल ओवर अगर हुड्डा सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो सेक्टर 5 कहीं ना कहीं उसकी कंपैरेटिवली अदर इनके जो सेक्टर्स है रेजिडेंशियल प्लॉट्स है वहां पर कंपैरिजन अगर हम करें रेट्स का, तो यहाँ पर आज भी जेन्युइन रेट्स के ऊपर प्रॉपर्टी मिल जाती है। जो पुल का काम है वो एक महत्वपूर्ण रहेगा यहाँ पर, और उसका काफी थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा, जरूर पड़ेगा प्रॉपर्टी के ऊपर। उसमें अभी थोड़ा सा और समय लगना, जो देखिएगा कई बार होता है गवर्नमेंट के बजट का या फिर यूं कह लीजिए जो पीडब्ल्यूडी बीएनआर का काम लगभग कंप्लीट हो चुका, जो रेलवे रेलवे का काम है बीच का, उसमें डिले हो रहा है, बजट को इश्यू आ रहा है या फिर कुछ और इश्यू आ रहे हैं उन सब चीजों के लिए। तो आने वाला जो हिसार है, नया जो हिसार होगा वो उसी साइड में होगा, तो आप वहां पर बेहिचक और इन्वेस्टमेंट अपनी कर सकते हैं, तो एक अच्छा मार्केट आपको वहां पर मिल रहा है। तो ये था एक मेरा छोटा सा वीडियो। किसी भी प्रकार के हिसार में इन्वेस्टमेंट के लिए आप कॉन्टैक्ट करें हिसार रियल इस्टेट, और नंबर मैंने नीचे दे दिया, वहां पर आप संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।